हेलो फ्रेंड्स, नोवेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और जानेंगे एंडीज पर्वतमाला के बारे में। और आप चैनल पर बने रहें और लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में विस्तृत पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एंडीज पर्वतमाला कैरेबियन सागर के समानांतर स्थित है। इस श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। विश्व की प्रमुख नदियों में से एक अमेजन नदी यहीं से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला लगभग 55 से 80 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ था। जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ 4,300 मील तक फैली हुई है और 7 देशों में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना को विभाजित करती है। एंडीज दुनिया में पहाड़ों की सबसे लंबी श्रृंखला है और इसमें पश्चिमी गोलार्ध की कई सबसे ऊंची चोटियां शामिल है। हालांकि एंडीज एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वे संकरी भी है। पूरे एंडीज में जलवायु अत्यधिक परिवर्तनशील है और यह अक्षांश, ऊंचाई, स्थलाकृति, वर्षा पैटर्न और समुद्र से निकटता पर भी निर्भर करती है। एंडीज को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तरी एंडीज, मध्य एंडीज, दक्षिणी एंडीज। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर जलवायु और आवासों में बहुत विभिन्नता है। वेनेजुएला और कोलंबिया के उत्तरी एंडीज गर्म और गीले, केंद्रीय एंडीज जो इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया के मध्य से फैला हुआ है, उत्तरी एंडीज की तुलना में अधिक मौसमी विभिन्नता का अनुभव करते हैं और इस क्षेत्र में आवास शुष्क मौसम और गीले मौसम के बीच उतार चढ़ाव करता है। चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी एंडीज को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, ड्राई एंडीज और वेट एंडीज। एंडीज में रहने वाले जानवरों की संख्या लगभग 3,700 प्रजातियां हैं, जिनमें स्तनधारियों की संख्या 600 और पक्षियों की संख्या 1,700, सरीसृपों की संख्या 600 और मछलियों की प्रजातियां 400 है और उभयचरों की संख्या 200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं।